वीकेंड के बाद जब आप अपने काम में जुट जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपको पता चले कि पिछले दो दिनों में जब आप घर में लोगों के साथ अपने परिवार के साथ अपने मित्रों के साथ अपने बातें कर रहे थे खुशियां मना रहे थे उसी बीच में बिहार में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो गया और भीतर खाने में जबरदस्त ढंग से प्लानिंग बन रही है और इस ये प्लानिंग कहीं ना कहीं बिहार की सरकार से होती हुई केंद्र तक कहीं ना कहीं उथल पुथल मचाने वाली है तो निश्चित रूप से आपको भी एक बार फिर से अलर्ट होने की जरूरत हो जाती है भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज की जो खबर है वो खबर कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से सोचने के लिए मजबूर करेगी नीतीश और तेजस्वी के को साथ लाने के लिए जिस तरह की प्लानिंग और उस प्लानिंग को फाइनल रूप दे दिया गया है तो इससे आप क्या कहेंगे एक बार फिर आपको लगेगा कि क्या 2020 में जो चुनाव परिणाम आए थे आपने जो वोट दिए थे उस वोट का महत्व तो क्या है हालांकि आपको तो ये भी सोचना चाहिए कि 2015 में जब आपने वोट दिया था महागठबंधन की सरकार बनवाई थी तब क्या हुआ था राजनीति में जब भी आप वोट देकर के किसी को जिताते हैं और कोई हार जाता है तो उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि कौन सत्ता में रहेगा कौन विपक्ष में रहेगा क्योंकि ये राजनीतिक दल के नेता अपने अपने स्वार्थ और अपने अपने सूझबूझ का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और जोड़ तोड़ राजनीति शुरू हो जाती है 2015 में पूर्ण बहुमत की महागठबंधन की सरकार को मात्र दो साल भी नहीं लगा और वो बदल गई नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेते हैं और फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र भी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास उतनी सीटें होती हैं जिससे कि वो पाला बदलने तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी उनका सीट बरकरार रहेगा बदले में जिन लोगों को आप सत्ता में लाए थे वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और जिन्हें सत्ता से बाहर रखा था वो सत्ता में वापस आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी 2017 में मात्र 18 उन्नीस महीने में वापस आ गई थी एक बार फिर से 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं और लगातार तैयारियां कर रहे हैं इतना ही नहीं नीतीश कुमार के साथ जो उनके समर्थक हैं यानी कि जो उनके साथ सरकार में हिस्सा बने हुए हैं उनके मन में भी पूरी तरह से भरोसा और विश्वास नहीं है एक दूसरे पर भरोसा विश्वास तो उठ ही गया है इसके साथ ही बिहार का जो कहा जाए विकास वो कही न कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता नज़र आ रहा है हालांकि नीतीश कुमार लगातार विकास की बातें कर रहे हैं और प्रयास बता रहे हैं कि हम लगातार बिहार को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं इसके लिए उन्होंने कई योजनाएँ भी आपके सामने रखी सबसे बड़ी योजना थी कि जातीय जनगणना करा करके वो यूज... चाहते थे कि हर जाति के जितनी भी संख्या है उसके हिसाब से उसको सुविधाएं मिले और सरकारी योजनाएं बने तो वहां तक पहुंचे इसलिए वो जातीय जनगणना कराते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे निरस्त करते हुए स्पष्ट तरीके से भीतर खाने में कहा हालांकि जातीय जनगणना को अस्वीकार करते हुए इसे नहीं कराने का फैसला ले लिया और राज्यों को कह दिया कि यदि आप कराना चाहते हैं तो कराएं इसके पीछे भी रणनीति और राजनीति थी कहा जाता है कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले इसलिए जातीय जनगणना कराता था ये विपक्ष जो है या भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी दल हैं लेकिन इसका भी कही न कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो गया उसके बाद से जब इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैर पीछे खींचा तो दूसरी बात शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं जैसे ही ये मुद्दा निरस्त होता नजर आया तो नीतीश कुमार ने दूसरा मुद्दा जो बहुत लंबे समय से चल रहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उसे लपक लिया और उस पर अब पूरी तरह से वो अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं और हर हाल में बिहार के पिछड़ेपन का कारण वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना बता रहे हैं इन सारी बातों को लेकर के जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको बताया था कि तेजस्वी और नीतीश को साथ लाने का जो प्लान है वो किस तरह से बनाया जा रहा है और उस पर किस तरह से काम चल रहा है तो आप मुकेश सहनी के बयानों को सुन सकते हैं मुकेश सहनी के बयानों में आपको एकदम स्पष्ट लग रहा होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब वो एक पल भी रहना नहीं चाहते हैं वहीं दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जिन्हें लगता है जैसे मुकेश सहनी की सुपारी दे दी गई है कई नेताओं ने तो कल हमने आपको खबरों में बताया भी कि, कि किस तरह से मुकेश सहनी को टारगेट कर रहे हैं अजय निषाद अजय निषाद जाने माने बिहार के नेता हैं और सांसद भी हैं मुजफ्फरपुर से सांसद हैं और आप जानते हैं कि जब अजय निषाद लगातार ये बात कह रहे हैं मुकेश सहनी को लेकर के कि वो किसी भी तरह से अपने समाज का या किसी का भी कोई भला नहीं कर सकते हैं ये अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं तो इसका पलटवार करते हुए मुकेश सहनी सीधे तौर पे कहते हैं कि आपने अब तक क्या किया आप ये बताएं कि अपने समाज के लिए आपने क्या किया सिर्फ सांसद बनने के सिवाय आपकी उपयोगिता क्या है आपका आप आपकी उपलब्धि क्या है जरा ये बिहार की जनता को बता दें वहीं आपको बता दें कि बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश तक का जो मामला है चुनाव का वो भी सामने नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं संजय निषाद को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है मुकेश सहनी ने ये बातें अभी चल ही रही थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह की चर्चा चल रही थी इसी बीच में अजय निषाद ने साफ तरीके से कह दिया कि मुकेश सहनी समाप्त हो जाएंगे अगर वो मोदी और योगी का नाम नहीं लेते हैं हालांकि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि योगी भावी प्रधानमंत्री हैं और ऐसे में मुकेश सहनी गलत दिशा में जा रहे हैं वो अपने आप को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अब इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से धमकाने की भी प्रवृत्ति शुरू हो गई है वहीं आपने देखा होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी ने 24 घंटा में बिहार की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल मचा दिया और ब्राह्मणों को गलियाना शुरू कर दिया उसके बाद से मामला गर्माता नजर आया और आगे बढ़ करके सभी दलों को जीतन राम मांझी के बयान से किनारा करना पड़ा और खास करके कहा जाए तो सवर्ण और ब्राह्मण समाज इस बयान को लेकर के काफ़ी गुस्से में था कई नेताओं ने मिथिलेश तिवारी हों या टुन्ना पांडे हों या अन्य कई नेताओं ने प्रेमचंद मिश्रा की बात कर लें शिवानंद तिवारी की बात करें मृत्युजय तिवारी की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें चित्रंदन नगर ने तो स्पष्ट तरीके से कह दिया था और इसी बीच में नज़र आने लगी थी कि जीतन राम मांझी बार बार नीतीश कुमार के शराबबंदी पर हमला करने के साथ साथ दूसरी तरफ जहां बिहार को विशेष राज दर्जा देने देने दिलाने की बात कर रहे थे वहीं तीसरा उनका जो सबसे महत्वपूर्ण बात था कि वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आए और रोजगार के लिए तेजस्वी यादव को कहा कि उनकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है अब आप समझ सकते हैं कि इसके पहले कई बातें हो चुकी थी लालू प्रसाद से बातचीत भी हुई थी जीतन राम मांझी की कहा तो ये भी जा रहा है कि भीतर खाने में आपने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी के सबसे करीबी कहे जाने वाले देव ज्योति जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो जा के मिले थे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री से उन्हें उन्हें आशीर्वाद दिया था इसके साथ ही बधाई दी थी शादी की इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार और उनकी टीम भी अब जिस तरह से हमला होना चाहिए हमलावर नहीं है आपने देखा होगा कि इधर पिछले कुछ दिनों से बयान में बदलाव आ गया है और नीरज कुमार जो लगातार लालू प्रसाद को कैदी नंबर तैंतीस से ही संबोधित करते थे उनके बयानों में कहीं ना कहीं विराम आ गया है ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत हमले आरोप आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच लालू प्रसाद का वो बात सभी को याद है जब लालू प्रसाद ने कहा था कि अछूत कोई भी नहीं है उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि संभावनाएं अनंत हैं और इस बार बिहार जो है वो देश का नेतृत्व करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और पूछने पर कि क्या उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति में से आपको प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों में नीतीश कुमार नजर आते हैं तो लालू प्रसाद ने सहज स्वीकार किया था इतना ही नहीं उन्होंने और भी कई दलों को इस बात के लिए तैयार किया था और हमने आपको खबरों में बताया था कि लालू प्रसाद के लिए सबसे बेहतर जो विकल्प होगा वो ये होगा कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के लिए तैयार कर लें जिससे कि बिहार का सीट खाली हो जाए और वो अपने पुत्र तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक विरासत के साथ साथ बिहार की गद्दी पर भी बिठाने का काम कर सकें इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में जिस तरह की बातें चल रही हैं और जीतन राम मांझी जी के साथ साथ मुकेश सहनी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं उसे देख करके स्पष्ट लग रहा है कि राजनीतिक जो यात्रा है वो भले ही बिहार में शुरू हो गई हो एक तरफ जहां नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं वहीं तेजस्वी यादव ने यात्रा की बात कर दी है लेकिन असल यात्रा तो राजनीतिक बदलाव की यात्रा चल रही है और इस यात्रा में कहीं ना कहीं एक बात साफ तरीके से नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को एक बार फिर से साथ लाने की कवायद शुरू हो गई है यही वो रास्ता है जिससे नीतीश कुमार के दल के काफ़ी नेताओं को जो पिछला चुनाव हार गए हैं और हार के कारण भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार को अपनी हार का जिम्मेदारी बता रहे हैं और ऐसे में बिहार में राजनीतिक बदलाव की सुगुगाहट जो लगातार 2020 के चुनाव परिणाम से शुरू हुई थी वो अब जोर पकड़ती भीतर ही भीतर नज़र आ रही है कहीं ना कहीं कुछ सुलग रहा है जिसकी धुआं जो है वो बिहार की राजनीति को प्रभावित करती नजर आ रही है आपको बता दें कि इस कवायद में अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर से एक पटरी पर आकर के ये कह करके कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है क्योंकि एक बार फिर से जिस तरह से उसने अयोध्या और अन्य मुद्दे उठाए थे जिसमें हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की बात चल रही थी हिंदुत्व की बात चल रही थी और कांग्रेस भी उस मुद्दे पर आगे बढ़ गई है आपको याद होगा कि पप्पू यादव भी इस तरफ अपने अपना कदम बढ़ा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में एक साझा विपक्ष बिहार से अपनी बड़ी रणनीति के साथ आकर के अगर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए तैयार हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव को साथ में ला के एक बड़े राजनीतिक मजबूती की चर्चा शुरू हो चुकी है देखने वाली बात होगी कि ये कितना सफल होता है और इसके आने वाले समय में क्या परिणाम निकल करके सामने आते हैं इतना तो तय है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को साथ लाने के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार जितना जल्दी बाहर हो जाए ये सब चाहते हैं आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं कैसा लगा आपको ये विश्लेषण जरूर बताइएगा क्योंकि आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं बाकी की खबरें भारत लाइव पर यथावत जारी हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे एगो घंटी बा, उकरा बटन दबा दिला से कुल सटीक और मारक खबर वह मुफ्त में मिल जाए अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी त ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट कर ली नाइन थ्री एट सिक्स एट वन सिक्स सेवन डबल जीरो धन्यवाद